नमस्ते दर्शक बंधु, मैं समर्पण रोडेक्स मोटर्स का फाउंडर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू मॉडल जो कि है इलेक्ट्रिक स्कूल वैन। आप बहुत सारा देखे होंगे वैन जो कि डीजल गाड़ी में आता है, जो कि नॉर्मली जो स्टूडेंट के जो पेरेंट लोग हैं उनको थोड़ा एक्सपेंसेस आता है मंथली, अगर रेंटल बेसिस पे लेते हैं या फिर बच्चों को भेजते हैं जब किराया देकर, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा पड़ता है। ये जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है, जिसका गाड़ी का प्राइस भी कम है। प्लस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गो ग्रीन स्कीम जो लॉन्च किया है उसके अंडर में भी आता है। इसको बस चार्ज करके ही चलाना रहता है, माइलेज एक चार्ज में आपको माइलेज आ जाएगा 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज में, और हार्डली 3-4 यूनिट्स ही उठता है एक फुल्ली चार्ज में। तो आपका ऑलमोस्ट लाइक 15-20 रुपीज आप स्पेंड करते हैं उस पर आपको 120 किलोमीटर माइलेज मिलता है। लेकिन डीजल के केसेस में 4-5 लीटर्स डीजल आपको बर्न होता है, और उसका भी बहुत सारा। इसके लिए नॉर्मली अच्छा रहेगा कोई भी पेरेंट्स के लिए ये गाड़ी प्रीफर करने के लिए। तो अभी हम आपको गाड़ी का एक नाम दिखा देते हैं। हमारे पास बेसिकली अभी दो मॉडल्स हैं, ये जो है ये ब्रांड मॉडल में है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा मॉडल में पूरा आएगा, जिससे कि आराम से हमारा 12 से 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इसका आप स्पेस देखोगे तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा, इसमें आराम से ये बैठ सकते हैं। मैं अभी बच्चे को एक बैठे देख रहा हूँ, कुछ स्कूल नहीं है, कितना आराम से ये रहता है। हेड स्पेस भी देखिए बहुत ज़्यादा इसका रहेगा, और आराम से ऐसा पूरा राउंड होके 12 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। तो ये बाइक रहा, कोई भी ड्राइवर को रहेगा ना वो क्या करेगा, बच्चों को अंदर डाल के फिर ये बाहर से लॉन्च कर देगा, तो बच्चे अंदर सेफ रहे। और हम साइड में पूरा आलू से हम ग्रिल वगैरह देते हैं, जिससे कि उनको सेफ्टी पूरा रहेगा। और क्योंकि नॉर्मली बच्चे बहुत ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, बस प्ले करते रहते हैं, किधर भी कुछ मिल जाए तो बस हाथ वगैरह बाहर ना आए, तो पूरा फुल्ली सेफ्टी हुआ। तो इसका और एडिशनली एक रेलिंग के साथ एक स्क्रीन एक लगता है, जो कि हमारा बारिश के टाइम पे तो पास अंदर नहीं जाएगा, तो इसमें लाइट भी अंदर पास होता रहेगा। इसके लिए हम ये साइड में ग्लासेस भी गिरा दिए हैं, तो लाइट भी पास रहेगा रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो हम ऊपर ही रखते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट होते हैं। ये रहा, ये जो रहा ये हमारा टॉप मॉडल में है, इसको हम बैटरी जो दिए हैं ये हम लिया है लिथियम कॉन्फेक्ट का 60 वोल्ट। ये अभी मैं ऑनलोड कर रहा हूँ, इसके अंदर में लिथियम फॉस्फेट है, मैं इसको अभी ऑनलोड किया हूँ, देख सकते हैं बैटरी है, कंट्रोल है कम्प्लीटली, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो इसी के अंदर में ही है। नॉर्मली ड्राइवर के लोगों क्या रहता है कि गाड़ी में कुछ पार्ट्स चोरी हो जाए या कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये पार्किंग रहेगा तो गाड़ी की ड्राइवर को डर रहता है कि कोई सामान चोरी ना हो जाए करके। तो ये ऐसा लॉक करके यहाँ पे लॉक भी कर सकता है, यहाँ पे एक आता है राइट में भी एक आता है, और इसको चाहिए तो इस साइड में भी रख सकते हैं, टोटल 3 लॉक भी कर सकते हैं। तो पूरा आपका सामान जो है सेफ्टी में रहा। ऊपर से क्योंकि वो लिथियम बैटरी का रहता है, जब भी 52 डिग्री टेम्परेचर तक रीच करता है तो बैटरी का चांसेस रहता है आग पकड़ने का। तो इसके लिए हम क्या कर, नॉर्मली 2-व्हीलर में क्या रहता है वो वेंटिलेशन नहीं रहता है, तो इसके लिए वो बंद होता है। तो इसके वेंटिलेशन के लिए हम लोअर्स प्रोवाइड किए हैं, और ये पूरा सेफ है, तो कभी भी कुछ भी इशूज इस पर नहीं आएगा। टील डेट 1-3 व्हीलर्स इसके लिए बंद नहीं हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट वहीं तक फाइल नहीं हुआ है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ स्टॉप। अभी उसका अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, उसका ब्रेकिंग सिस्टम एंड ये पे। तो इसका फिलहाल 2 ब्रेकिंग है, ये फुट ब्रेक है और ये हैंड ब्रेक है, या पार्किंग ब्रेक बोल सकते हैं। जब गाड़ी स्टेडी पोजीशन में हो तो ये हैंड ब्रेक दे के पार करके रख सकते हैं। ये हमारा स्विच जैसे की रहा, इसको ये करके चाबी को ऑन करके इसे फ्रंट रिवर्स यहाँ पे सीरियल सेट करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो।
कुछ नहीं, पूरा स्टेट ये मोड है, सिंपल है ड्राइव करना, बस स्कूटी जैसा ही, इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरा वैसा ही रहेगा। तो इसको बस सेट करके एक्सीलेटर देना रहता है। दोनों साइड में अभी हमारा पूरा नॉर्मल करके मिरर रहा, मोटर वाइपर ये सब रहा सेफ्टी के लिए। आगे में पानी वगैरह कुछ ना आए इसलिए हम बटरफ्लाई भी लगाते हैं, तो पूरा ड्राइवर सेफ में रहा है पूरा रहा। और पीछे साइड में हम लाइट्स वगैरह भी लगाए हैं, तो जो कि नाइट टाइम पे अगर अंदर में लाइट चाहिए रहेगा तो भी ड्राइवर यहाँ पे आ सकते हैं, तो लाइट देखे भी वो पूरा पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लाइक पूरा अच्छा प्राइस में पूरा कस्टमर का पर्पस ही फुलफिल करता है, और गवर्नमेंट भी अभी इनक्रेज कर रहा है पर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये मॉडल रहा, ये हमारा स्कूल वैन मॉडल रहा, 12 to 15 स्टूडेंट बैठने के लिए। अभी हम आपको दूसरा मॉडल लेके जाते हैं, कोई टेंशन है स्कूल के लिए, खाली 6 to 8 बच्चे जाने का है, तो फिर ये मॉडल ले सकते हैं। ये मॉडल में बाकी सब सेम ही रहता है, सब एक्सीलेटर ब्रेक ये सब सेम ही रहता है। इसका क्या है, इसका बैटरी जो है इसका हमने लेड एसिड में दिया है, इसका हमारा टोटल हमारा 5 बैटरी है, मतलब 60 वोल्ट का, जो कि हमारा माउंटेन एरिया में ये भी चल सकता है क्योंकि बैटरी पावर आउटपुट ज़्यादा है। और इसका भी मोटर वही 1500 वाट, आई मीन 1.5 किलोवाट का है, तो उसका कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। प्लस ये हम एडिशनली जो मोटर की बात करें तो ये हम जैसे रेनी सीजन में यूज करने के लिए ये वगैरह फोल्ड करके सामान वगैरह जैसे कि बोनस में यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे सामान रख सकते हैं। बस रहा है यहाँ पे आराम से 4-8 जन आराम से बैठ सकते हैं बस। इसलिए हम आलू में बेल दूसरा मतलब में निकल जाते हैं, बच्चे अंदर पूरा सेफ रहे, तो क्योंकि पेरेंट्स का मेन प्रायोरिटी है बच्चे सेफ होना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है। क्योंकि स्कूल के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए ये अच्छा रहता है। लेकिन जैसे मैंने आज आपको दो मॉडल दिखाया, इसका दोनों मॉडल में ऑब्वियसली हम तो सजेस्ट करते हैं कि लोकेशन को कौन सा लोकेशन पे गाड़ी चलेगा। अभी तो हम दोनों के दोनों जो है वो 60 वोल्ट 1.5 किलोवाट मॉडल के साथ अभी हम ले रहे हैं, क्योंकि फील एरिया या फिर जो कि आज सिटी से आए हुए है वो जगह जाने के लिए, इसके लिए ज़्यादा पावर आउटपुट रहता है, पावर आउटपुट सप्लाई करता है, तो ये अच्छा से चलता है। अगर इसका ये सबसे हाईएस्ट मॉडल दोनों है, और प्लस इसका लोएस्ट मॉडल में भी है जिसमें कि लेड एसिड का 4 वोल्ट मतलब 48 वोल्ट का आएगा, लिथियम का भी 48 वोल्ट का आएगा, वो जो नॉर्मली अगर रोड आपका अच्छा है तो फिर वो चल जाएगा। तो ऐसा ऐसा है, और आप प्राइस जानने के लिए काइंडली आप कॉन्टैक्ट करिए हमारा नंबर पे, हमको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए और हमको रीच करिए, क्योंकि हम आपको अच्छा प्राइस में दे सकते हैं। हमारा बेसिकली फैक्ट्री जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया को सप्लाई करते हैं, तो आप काइंडली बुक करिए। थैंक यू सो मच।